आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन सेज, इफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैज़ फोर कार्बन एटम्स, देन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कुड बी। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास फोर कार्बन एटम्स हैं, सो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। सो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन वन C4H6, ऑप्शन टू C4H8, ऑप्शन थ्री C4H10 एंड ऑप्शन फोर C4H12। सो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन वो क्या होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं हमारे एल्केन्स। और सैचुरेटेड मतलब जैसे उसमें कोई भी और एडिशन रिएक्शन शो ना हो पाए। जैसे कि जो एल्केन्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, CnH2n+2। तो ये है हमारा एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। और हमें पता है कि जो n है, n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो n जो है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो इसमें हमें गिवन है n की वैल्यू 4। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखते हैं तो C n की जगह 4, H2n+2, यानी कि 2 × 4+2। तो क्या आया हमारे पास, C4H2 4 8 8+2 10, C4H10। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग फोर कार्बन एटम्स। सो हम ऑप्शन से मैच करें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।